हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे गांवों में, लगता है जगह ट्रांसफार्मर लगा होता है। गांव में सप्लाई होने से पहले, हर एक फैक्ट्री में सप्लाई होने से पहले ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, ट्रांसफार्मर तो होता है अल्टर द रेट ऑफ द करंट। हम लोग क्या करते हैं, अल्टर कर देता है, मतलब हाई वोल्टेज से या तो लो वोल्टेज में कर देता है या तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करंट कर देता है। ये काम करता है सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में, एसी में काम करता है, डीसी बैटरी में नहीं काम करता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मान कहीं भी से कोई भी सोर्स से, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर से, हर एक कोयल से, वाटर से, सी से, कहीं भी से इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो मालूम है वहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, क्योंकि जो करंट निकलता है हमेशा क्या कम कम मात्रा में निकलता है। लेकिन वहाँ पर जब ट्रांसफार्मर यूज करते तो वही कम कम करंट आके ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ट्रांसफर करके ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट में भेज के सब स्टेशन में, पावर स्टेशन में सप्लाई करते हैं, हमारे घरों तक आता है। ठीक है, अगर वो नहीं तो हम लोग कम निकलेगा तो उसमें काम ही नहीं, कभी ज्यादा हो जाएगा तो उसमें हम लोग का काम नहीं रहेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम बताते हैं, ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप फार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप मतलब अप आए मतलब क्या होगा, बढ़ा देगा जो हम लोग का करंट रहेगा। मान लें अगर हम लोग का कुछ कम करंट दे रहे हैं तो क्या होगा, उसको बढ़ा के ज्यादा करंट हम लोग का देने लगेगा। और स्टेप डाउन में क्या होगा, डाउन मतलब कम होगा, जो ज्यादा करंट आएगा उसको क्या कर देगा, कम डाउन करके सप्लाई कर देगा, तो उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें होता है माल ऐसे होता है ट्रांसफार्मर, ऐसे होता है, तो इसमें हम लोग ऐसे हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर में इधर वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, हम लोग का प्राइमरी कॉइल, यहाँ पर जो ऐसे ऐसे रहेगा ना, ऐसे ये क्या हो गया प्राइमरी कॉइल। अब इधर जो इस बगल रहेगा मतलब क्या हो गया भाई, सेकेंडरी कॉइल। अगर मान करंट जो देगा, करंट हम लोग कहाँ पर देते हैं, हम लोग का ई एम या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग किधर से देते हैं, इधर से देखें प्राइमरी में हम लोग देखें तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। और जब यहाँ से निकलेगा आउटपुट में जो निकलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग का, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इनपुट मतलब हम दिए हैं, आउटपुट में जो रिजल्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब जैसे मान लें इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में, हरेक एग्जाम में कंपल्सरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसे रिलेटेड सॉल्व दिया जाता है। अगर बोल देगा कि अगर इसका जो हम लोग ऐसे ट्राइग्राम दे देगा और बोलेगा अगर इसमें ऐसे बना देगा, इसमें कम नंबर ऑफ टर्न, जो नंबर ऑफ टर्न होता है प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, तो ये बोल देगा कि बता रहे कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप की डाउन है। तो स्टेप अप मतलब क्या हो गया, स्टेप अप जैसे कि माने स्टेप अप जो बढ़ाएगा अगर इसमें कम है तो यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रिकल, जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिटी आएगा, करंट जो आएगा कम आएगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग का पूरा कनेक्ट करके यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट ले लेगा, फिर उसे सप्लाई करेगा। तो मतलब है क्या हो गया, अगर इसका मात्रा अगर सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न है अगर ज्यादा है तो समझ जाना क्या हो गया, हम लोग का स्टेप अप हो गया, स्टेप अप हो गया। अगर हम लोग का इसका, हम लोग अगर इसका नंबर ऑफ टर्न जो है ज्यादा है और इसका कम है मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इसी पे डिपेंड करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो कम पास करेगा, जैसे किस में आ गया, स्टेप डाउन में आ गया। तो इसी तरह तो इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ हम लोग का क्या, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल हो गया, और फिर हम लोग का क्या हो गया, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज को क्या बोलते हैं लोग, प्राइमरी में इसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इनपुट इज इक्वल टू हम लोग का किसके बराबर होगा, जो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल अपॉन हम लोग का क्या हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो इसी न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में पूछी जाए इस रिलेटेड, कोई 30 का वैल्यू दिया होगा और आपको एक को निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्न दिया होगा, प्राइमरी वोल्टेज दिया होगा, सेकेंडरी वोल्टेज दिया होगा, और पूछ लेगा कि आप नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल बताओ। तो प्राइमरी मतलब हम लोग का जो पहले देते हैं इनपुट वाला वही प्राइमरी हो गया। अगर इसमें अगर मान लो अब स्टेप अप स्टेप डाउन तो आप पूछ गए होंगे, स्टेप अप में क्या होता है, आप मतलब करंट बढ़ाएगा तो डिसाइड यही से होता है, सेकेंडरी से होता है। अगर इसका जो नंबर ऑफ, अगर हम लोग का नंबर ऑफ टर्न जो होता है अगर ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गया तो समझ जाते हैं ये क्या करेगा, करंट को ज्यादा बाहर देगा, ज्यादा कर देगा, तो क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। अगर इसका नंबर ऑफ टर्न कम है, अगर इससे प्राइमरी वाले से कम है तो क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया, मतलब कम करंट वहां से पास करेगा। तो अब एग्जाम में आपसे एक सवाल पूछ लेगा, जो इसका ये होता है लिमिट, हम लोग का जो होता है इसको सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं,
सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं यहाँ पर ना, सॉफ्ट आयरन जो होता है बहुत जल्द जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी को किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत जल्दी कम लोग क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर जो होगा इंड्यूस्ड करंट जो होगा उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, ईएमएफ क्या कर देगा इसे बढ़ा देगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कर देता है बढ़ा देता है, जो आउटपुट सेकेंडरी कॉइल में जो निकलता है आउटपुट उसको क्या कर देता है बढ़ा देता है, इसीलिए यहाँ पर सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। और जो देखे होगे ना अगर उसको जो कभी ट्रांसफार्मर वाला देखो इस मोबाइल वाले में लगता है, पहले के डिवाइस वाइज बहुत ज्यादा रेडियो में लगता है छोटा छोटा रहता है, तो उसको जो देखोगे क्या होगा ये जो आयरन रहेगा तो इसमें एक ही आयरन नहीं है, जैसे मोटर लगता था उसमें बहुत सारे आयरन होंगे इसे ज्वाइंट होंगे, इसे प्लेटें इसके ऊपर भी आ गया पूरा रख देंगे फिर उसके ऊपर रख देंगे पूरे ऐसे मोटा मोटा ज्वाइंट होता है, तो उसमें क्या होता है मालूम है, उसमें क्या होता है उसमें जो ज्वाइंट होता है तो बर्निश क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट नहीं पास होगा, कंडक्टर नहीं होगा, इसे सब सीट मिला के इसके ऊपर रखा होता है, वो बर्निश क्या होता है, किस लिए बर्निश क्या होता है, क्योंकि जो उसका एनर्जी उनकी लॉस ना हो सके इन द फॉर्म ऑफ हीट की वजह से, हीट की एनर्जी की वजह से क्या हो उसका एनर्जी जो है लॉस ना हो सके, और यहाँ पर ये यूज करते हैं कि इससे क्या होता है जो सेकेंडरी वोल्टेज का ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड करंट जो होता है ना उसको क्या करते हैं बढ़ा देता है, तो इसी वजह से यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ देखा बर्निश क्यों होता है, और हम लोग का लेमिनेटेड शीट आयरन कोर हम लोग का कैसे लेमिनेटेड एक दूसरे में अटैच के लिए होते हैं, क्यों अटैच होते हैं, क्योंकि एक ही सिंगल नहीं होता, अगर एक सिंगल लेगा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, इसीलिए बहुत ज्यादा शीटेड का यूज करते हैं, इसलिए तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ बीच में बाबू ना बीच में यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर करंट देंगे यहाँ पर कोई करंट बीच में कोई वायर वायर नहीं होगा कि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए टच हो जाएगा और यहाँ से आगे क्या हो जाए करंट पास हो जाए, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल पे क्या करता है काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक दूसरे के समझदारी से क्या करते हैं इंटरेक्ट होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता है अपन म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो आप समझ गए ना कि आपको क्या हो अगर मान ये किस में काम करता है अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है, डायरेक्ट करंट में मतलब डीसी बैटरी में नहीं काम करता है, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है, ये बात याद रखना, तो आई होप कि आप समझ गए इस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, अगर मान लें यहाँ पर ध्यान रखें आप यहाँ मैं प्राइमरी कॉइल रखा हूँ तो आप यहाँ सेकेंडरी कॉइल में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना अगर यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल ऊपर रखेंगे तो यहाँ भी सेकेंडरी कॉइल आपको क्या रखना पड़ेगा सेकेंडरी वाला ही ऊपर रखना पड़ेगा हर एक चीज में, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरा वीडियो अच्छे से, आप अगर कोई प्रॉब्लम रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।